वेलकम टू ए एस आज यंग गाइस। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम कंडक्ट हुआ और हम यहाँ पे कर रहे हैं जीएस पेपर वन का टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर एनालिसिस विद करेक्ट आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो हमारा ये सेशन स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर वन के फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी से। इस साल पेपर में और एक स्ट्रेंज बात थी कि सारे क्वेश्चन एक साथ एक ब्लॉक में दिए हुए थे, हालांकि इधर उधर थोड़े है। वैसे भी हम जब सेग्रीगेट भी करते हैं तो काफी क्वेश्चंस ओवरलैप भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ सकता है, कल्चर में भी आ सकता है, कल्चरल प्लेसेस का क्वेश्चन है पर प्रेजेंट लोकेशंस है, तो ऐसे ओवरलैप होता है। इवन इकोनॉमी एग्रीकल्चर काफी ओवरलैप है, तो हमने ये सेग्रीगेशन किया है यहाँ पे। ये सेट ए के क्वेश्चन नंबर्स है पर अकॉर्डिंगली आप ये क्वेश्चन नंबर्स देख सकते हैं। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस है इन सेट ए। क्वेश्चन पेपर आप आंसर की के लिए यहाँ पे हमारी लिंक पे आप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 17 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पॉलिटी, 19 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, 7 फ्रॉम ज्योग्राफी, 15 फ्रॉम एनवायरनमेंट, 12 फ्रॉम एग्रीकल्चर, 15 फ्रॉम इकोनॉमी, 12 फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 3 फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये है सेग्रीगेशन। ज्यादा डायरेक्ट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, करंट बेस्ड टॉपिक्स जो थे उनके ऊपर क्वेश्चंस है, पर एकदम डायरेक्टली रिसेंटली न्यूज करके वाले क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इसमें हम देख रहे हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है हम देखेंगे। ये देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। सेकेंड, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। थर्ड, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। एंड फोर्थ इज, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चार स्टेटमेंट्स है। तो ये आधार के ऊपर तो पूरा केस हुआ था, वी हैव सीन द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पुत्तुस्वामी केस जो था उसमें पूरा ये हुआ था। तो अब यहाँ पे जो आधार का रिलेटेड क्वेश्चन है कि आधार मैंडेटरी करना है, तो यहाँ से हमको ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसमें अगर आपने एरर डिटेक्ट किया है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। चार ऑप्शंस क्या थे पहले, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो चार में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बताना है। ए बी सी एंड डी, दीज आर द 4 ऑप्शंस वी हैव विद अस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स है। तो ये एक है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो वन इज इनकरेक्ट मतलब ए और डी तो हो नहीं सकता, मतलब बी और सी में से हमारा आंसर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। और थर्ड स्टेटमेंट है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब ये जो है थर्ड स्टेटमेंट, ये बहुत रिसेंटली हुआ है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने आधार को मैंडेटरी किया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, और ये न्यूज में था अभी September 2020, जस्ट लास्ट मंथ। तो ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हमें देखना है इन सब में से, तो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, जिनके पास आधार नहीं है वो सारे, उनको स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। तो ये एक्चुअली सही नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ओनली 3, बिकॉज 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 एंड 4 में से 4 इनकरेक्ट है। तो 2 भी हमें इनकरेक्ट ही है, क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। तो इवन बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन कम टू द आंसर इज सी, 3 ओनली। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, IRDAI इन September 2020 सेड लिंकेज ऑफ 12 डिजिट आधार नंबर इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज, दिस इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था आधार पे 2018 में, September 2018 में, राइट टू प्राइवेसी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूलिंग के बाद। 5 जज बेंच ने ये रूलिंग दिया था September 2018 में, पुत्तुस्वामी केस के बाद, वो राइट टू प्राइवेसी वाला केस था। तो ये वाले केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट वो रॉन्ग था, 3 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ्स है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। तो चार ऑप्शन दिए गए हमको, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, बी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सी द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डी मेकिंग कट मोशंस। तो अब देखो, राज्यसभा के पास पावर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में पावर्स कम होते ही हमको पता है, सो इट मींस के कट मोशंस इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस,
है ना. सो दैट डी इज नॉट द ऑप्शन. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफकोर्स जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है लोकसभा पास करती है, तो सी भी इनकरेक्ट है. अब ए और बी में मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में हमने पढ़ा है, वी नो दैट राज्यसभा हैज स्पेशल पावर्स, तो दो स्पेशल पावर्स आर इन केस ऑफ ए. एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा हैज पावर्स एज वेल एज राज्यसभा, दे हैव इक्वल पावर्स. इन दिस केस एक्चुअली राज्यसभा हैज स्पेशल पावर्स. देयर द करेक्ट आंसर इज बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देखिए, राज्यसभा एंजॉयज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन वेरियस मैटर्स. ये देखिए, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में भी इक्वल पावर्स है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए राज्यसभा एंजॉय स्पेशल पावर्स. व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, देन यू नो इट इज नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. सो वो स्पेशल पावर्स है, राज्यसभा से इनिशिएट होता है, नॉट फ्रॉम लोकसभा. तो ये सिंपल पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन है पॉलिटी का, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर एमपीलैड्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एमपीलैड्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एडुकेशन एक्सेट्रा. ऑफकोर्स ये है. सेकेंड, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन. ओके, देन थर्ड स्टेटमेंट, MPLAD's funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. And fourth statement is, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. So here we have the options, which of the following statements are correct. So four options are, you can see here. So any two of the four or any three of the four will be right. So humko kya karna hai, yahan pe hum dekhenge question statements. So hume statements mein se ये क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो होना चाहिए और ये एससी एसटी पॉपुलेशन का भी रहता है. ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज द की, दिस इज द क्रक्स. एमपीलैड्स फंड्स एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होते, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, गलत है. क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे नो न्यूज आर्टिकल्स भी आए हैं कि कैसे एमपीलैड्स फंड्स यूज नहीं हो रहे और अक्यूमुलेट होते जा रहे, एमपीज यूज नहीं कर रहे और वो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे, इतने क्रोर्स में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपको ये करंट अफेयर्स बेसिस पे आपको ये पता होगा कि थ्री इज इनकरेक्ट. सो व्हेन थ्री इज इनकरेक्ट, यू आर लेफ्ट विथ वन एंड टू और वन टू एंड फोर. सो देन इट कम्स ऑन दिस स्टेटमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू. तो यहाँ पे आंसर है डी, 1, 2 and 4. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका एक्सप्लेनेशन भी एक देख लेते क्या है. देखो, एमपीज आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड 15% ऑफ द फंड्स फॉर एरियाज विद एससी पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरियाज विद एसटी पॉपुलेशन. तो ये है, एससी एसटी के लिए रखना है और 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स शुड बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, है ना. और ये देखो, फंड्स रिलीज टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉन लैप्सिबल. मतलब ये जो एमपीलैड्स फंड जाते हैं, फंड्स लेफ्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर यूटिलाइजेशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, एक्चुअली थोड़ा यहाँ फ्रेमिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. अनटचेबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो ठीक है, बट देन द ऑप्शंस, फोर ऑप्शंस गिवन, ए बी सी डी. देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड डी इज राइट टू इक्वालिटी. अब हमें पता है राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमारा फर्स्ट सेट में आता है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है, 5 आर्टिकल से 14, 15, 16, 17, 18. तो ये जो 5 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 से राइट टू फ्रीडम के शुरू होते हैं, 19A1ABCD करके. तो जो राइट टू इक्वालिटी में जो है, यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वालिटी में आता है. तो हमें एक्सप्लॉयटेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना, एक्सप्लॉयटेशन में बेगार, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, वो वाला है. तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पॉलिटी क्वेश्चन. ये देखिए, है ना, राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 14 to 18, यहाँ पे आता है आर्टिकल. सो आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. देन नेक्स्ट इज In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by, so there are four options again, the preamble of the constitution, a directive principle of state policy, the seventh schedule,
एंड डी द कन्वेंशनल प्रैक्टिस. कन्वेंशनल प्रैक्टिस मतलब ऐसा चला आ रहा है, कन्वेंशन है, ऐसा होता आ रहा है तो हो रहा है, कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है पर ऐसा ही करते. जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अलग रखना है, मतलब जुडिशियरी का काम जो है जजेस सुप्रीम कोर्ट जो करते हैं वो अलग है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो सेपरेट है. तो ये सेपरेशन कहाँ पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली द थ्री लिस्ट, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो अब उसके अंदर जुडिशरी का स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं हो, तो सेंटर और स्टेट का सेग्रीगेशन बेसिकली है. कंकरेंट भी दोनों का ओवरलैप, सेंटर स्टेट के जो फंक्शन से ओवरलैप क्या होते हैं, पावर्स एंड अथॉरिटीज, वो है. तो सी और डी तो नहीं आएगा, सी तो नहीं आएगा. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, छोटा सा हमारा प्रीएम्बल है, हमें याद भी है ऑलमोस्ट पूरा, तो ऐसे कहीं लिखा नहीं है. तो ये एक्चुअली आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो आर्टिकल 50 है ये, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, देखिए. And Article 50 of the Constitution puts an obligation over the state to separate the judiciary from the executive. Okay. फिर आते हैं next question पे. Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, मतलब mandated है, मतलब compulsory. ये क्यों हमको, ये जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखते हैं सामने तो हमको पता है बजट मींस एक्चुअली टू बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल. सो ये दो बिल तो पास होते हैं, उनके बारे में मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, पासिंग ऑफ द बजट में. लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है ये भी रखा जाता है. तो ये डॉक्यूमेंट किसने मैंडेट किया है? हमारे ऑप्शन है ए लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, बी आर्टिकल 112 एंड 110(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी Article 113 of the Constitution, the provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमने जैसे डिस्कस किया ये बजट में मेंशन नहीं है, तो ये दो आर्टिकल जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बजट के बारे में तो ये दो में नहीं आएगा. आपने पॉलिटी सही से पढ़ा है तो यू कैन इजिली एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन कि यहाँ पे नहीं है. और लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब फिर से कन्वेंशन वर्ड आया, मतलब कि एक प्रैक्टिस चली आ रही है, कहीं पे मेंशन नहीं है लेकिन एक कन्वेंशन चला रहा है जो किया जाता है, जैसे हम डेली लाइफ में रिवाज कैसे होता है, हमारा रिवाज है, कहीं पे ऐसे मेंशन नहीं है. तो ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली मैंडेटेड है, लेकिन लिखा है मैंडेटेड है, तो मैंडेटेड है तो इसके होने के चांसेस भी कम है. सो इट्स एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट इज मेंशनड इन द एफआरबीएम एक्ट. तो ये रहा देखिए, है ना. So it is presented as per the FRBM Act. FRBM instructs the government to make an assessment of the growth prospects of the economy with specific underlying assumptions. So एक macroeconomic framework statement रखना होता है government को budget presentation के time पर. फिर next question, seventh question है. A constitutional government by definition is a, तो यहाँ हमारे चार options है, government by legislature, B popular government, C मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड डी लिमिटेड गवर्नमेंट. सो ये बेसिकली हमारा बेसिक पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है. गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर मतलब के इसका मतलब अगर आप ये इंटरप्रेट भी करते हो कि जो पार्लियामेंट में पावर में आते उनसे गवर्नमेंट, जो जिनको लेजिस्लेचर में मेजोरिटी मिलती है उससे गवर्नमेंट बनता है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर हुआ. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन बी प्रेसिडेंशियल ऑल्सो. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि जैसे यूएस में ऐसा नहीं होता. पॉपुलर गवर्नमेंट मीन्स इलेक्शंस होके जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जिनको मेजोरिटी मिलती है वो आ रही है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और हो सकता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट उसमें ऐसा प्रोविजन ना हो. तो पॉपुलर गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली. तो ये एक है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट. अब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट क्यों, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट भी हो सकती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होगा, ये भी गलत है. मल्टी पार्टी पॉलिसी पॉलिटी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट में मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन तो नहीं हो सकता. हमारे यहाँ खुद कंट्री में भी नहीं है, सिंगल पार्टी कैन ऑल्सो बी. एंड डी इज लिमिटेड गवर्नमेंट. सो यहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट ऑल पावरफुल. देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है जिसने जो बताएगा कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स व्हाट आर द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये बेसिकली आंसर आएगा डी लिमिटेड गवर्नमेंट. सो बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट. फिर नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? तो ये UN का document है, Universal Declaration of Human Rights of 1948. तो हमारे Constitution में fundamental rights में तो है human rights के बारे में, उनके अलावा और कौन से provisions है Constitution के जहाँ पे ये principles reflect होते हैं? One is preamble, two is directive principles of state policy, and three is fundamental duties. And you have to select the correct answers. अब यहाँ पे अब हम जो human rights की बात कर रहे हैं, तो fundamental duties में rights के बारे में तो नहीं लिखा है. तो three option तो आप directly eliminate कर सकते हैं by simple logic. तो अगर three option eliminate हो गया, तो हमारे पास चार में से जो options बचते हैं, वो है A और B. तो मतलब one preamble में mentioned है कुछ human rights related के नहीं, वो देखना है. तो हमारे preamble में clearly mentioned है, you know, fraternity, brotherhood. No, liberty, equality. तो equality mentioned है, human rights में equality सबसे पहले आता है. तो of course preamble में mentioned है. तो हमारा आंसर होगा A, 1 and 2 only. So this is the correct answer. फिर next है हमारा question number 9. वो देखते हैं. ये है. In India, legal service authorities provide free legal service to which of the following types of citizens? तो यहाँ हमारे options है. 1. Person with an annual income of less than 1 lakh. 2. Transgender with an annual income of less than 2 lakh. 3. Members of OBC with an annual income of less than 3 lakh. And 4th is all senior citizens. So, our options are select the correct answer using the codes given below. So, our 4 options are 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 and 3 only, or 1 and 4 only. Matlab, in 4 mein se sirf 2 hi correct hai. So, yahan pe ab dekhenge hum. फोर्थ ऑप्शन है ऑल सीनियर सिटीजन्स. अब ऑल सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री लीगल सर्विस नहीं होती, यहाँ पे भी इनकम लिमिट होती है. तो यहाँ से हम अगर बाय अंडरस्टैंडिंग अगर ये फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करते तो हमारा अब बचता है ए और सी. मतलब टू तो पक्का करेक्ट है, वन एंड टू या टू एंड थ्री. सो ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख इज श्योरली करेक्ट. सो वन एंड थ्री में से यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर इज वन. सो वन एंड टू ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. ये देखिए, पर्सन्स एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विस, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ एससी एसटी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड्स, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ऐसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन्स, है ना, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ये सारा सब है. तो इनकम लिमिट होती है, देखिए इनकम लिमिट क्या है, यहाँ लिखिए इनकम लिमिट इज ऑफ 1 लाख. सीनियर सिटीजन के लिए इनकम लिमिट है 2 लाख. 2 लाख से कम होगा मतलब ज्यादा सीनियर सिटीजन इंक्लूडेड होंगे. एंड ट्रांसजेंडर के लिए अगेन इनकम लिमिट लेस देन 2 लाख जैसे हमको दिया गया था. तो ये हमारा क्लियरली हमें पता चलता है कि फ्री लीगल एड किसके लिए. ये 1 लाख की लिमिट रिवाइज होने के लिए डाला है, पर अभी के लिए यही है. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर प्रेजेंट represented in the government, B, the government is responsible to the parliament and can be removed by it, C, the government is elected by the people and can be removed by them, D, the government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. तो यहाँ पे देखिए parliamentary system of government, ये बहुत ही simple question है. तो यहाँ पे पहला तो option है कि सारी political parties parliament में जो है सबको government होना चाहिए, मतलब पूरा legislature के सब parties government में हो, ये तो doesn't make sense. So A is incorrect. Government is responsible to the parliament and can be removed by it. That's what happens in India. कि government is responsible. अगर no confidence motion pass हुआ तो government गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी. तो B is the correct option. And government is elected by the people and can be removed by them. People elect कर लेते हैं, हम उनको remove नहीं कर सकते. तो C is not correct. And government is chosen by the parliament but cannot be removed by it. ऐसे नहीं होता, remove कर सकते हैं. No confidence motion pass होता है. और chosen तो directly by the people है. हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी. एक्सप्लेनेशन है, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन विच पार्टी विद द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जिसको मेजोरिटी मिली एंड इट्स लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली ये है एंड दे कैन बी रिमूव्ड आल्सो बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 11th वन. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है. अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम पढ़ते सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, यू नो, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वेलफेयर स्टेट,
ये सारा तो ये डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है. विदाउट सीइंग ऑल द ऑप्शंस आल्सो यू कैन क्लियरली सी. सो दिस द आंसर हियर इज डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है ना, और ऐसे है. फिर आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ये पहला स्टेटमेंट है. या कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. ये भी बेसिक पॉलिटी हमको पता है कि शनंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया और बेसिक स्ट्रक्चर इज ओपन एंडेड. वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन है ना डिफाइंड है. तो वन स्टेटमेंट इज श्योरली इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. सो जुडिशियल रिव्यू इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्पेसिफिकली मेंशन है पर जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारे पास. तो ये है. तो हम ये जो है यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या है. सेकेंड स्टेटमेंट जुडिशियल रिव्यू है टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज ऑफ कॉज एंड टू इवन प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन वही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू. और हमारा करेक्ट आंसर है बी, टू ओनली. ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट है 13th. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. मतलब ब्यूरोक्रेसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है. चार ऑप्शन दिए. ए, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी पार्लियामेंट के थ्रू फंक्शन करते हैं, उसको वाइडन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम इम्प्लीमेंट कर पाए. ठीक है, देखते आगे और ऑप्शन. एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब क्या, सेंटर स्टेट के बीच में डिविजन ऑफ पावर्स है. तो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है. ब्यूरोक्रेसी फेडरलिज्म को कैसे स्ट्रेंथन करता है. ब्यूरोक्रेसी वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट, सो इट कैन नॉट ब्रिंग सेंटर स्टेट टुगेदर. सो ऐसा है. सी देखते क्या है. एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी तो लाते हैं, पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी का हमारा मतलब ऐसे हो जाता है कि जो गवर्न पावर में उसकी स्टेबिलिटी रहे, सरकार की स्टेबिलिटी रहे, तो वो गलत हो जाता है. तो सी यहाँ पे नहीं आएगा. पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, गवर्नेंस होना चाहिए ऐसा. और डी जो है, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. सो बेसिक जो ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन आपको पता होगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसका आंसर है डी. इट गवर्नमेंट फ्रेम्स द लेजिस्लेचर मेक्स द पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम. आर एग्जीक्यूटिव द मिनिस्टर्स अंडर होम आर द वंस अंडर होम द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स. सो ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करती है. सो दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी ब्यूरोक्रेसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. तो ये डी आंसर है. अब ये 14th क्वेश्चन है. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट. बी, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर. सी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. एंड डी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स. मतलब क्या है, प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन आया था कि प्रीएम्बल क्या, प्रीएम्बल को हम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं कि नहीं. ये क्वेश्चन क्यों आया था कि क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं. तो अगर प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम अमेंड कर सकते हैं, नहीं तो अमेंड नहीं कर सकते. तो बेसिकली उसके ऊपर ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में. और इस केस में जो रूलिंग आई थी, तो प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट हम प्रीएम्बल जब चैप्टर हम पढ़ते हैं, पॉलिटिक करते हैं, तो हमको पता है प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशियबल. मतलब उसके ऊपर हम उसको, उसके अंदर का जो प्रोविजन है उनको हम जस्टिस शेबल नहीं, मतलब हम कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते कि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है नहीं हो रहा है ऐसे कुछ. तो इट इज नॉन जस्टिशियबल. तो ये बात समझ में आती है, पर प्रीएम्बल का फिर भी सिग्निफिकेंस है लिखा है तो इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंटरप्रेटेड. तो यहाँ पे इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का आंसर ऑफकोर्स इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल अमेंड भी हुआ है हमको पता है. तो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, मतलब ए और सी और डी में से आएगा, बी नहीं आ सकता, नॉट अ पार्ट गलत है. फिर लीगल इफेक्ट अब है कि नहीं. तो पहला हमको दिख रहा है हाँ नो लीगल इफेक्ट, नॉन जस्टिशियबल है तो हम कहेंगे हाँ नो लीगल इफेक्ट. पर हम चारों ऑप्शंस क्लियरली पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे लिख रहा है सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, विच इज रॉन्ग.
एंड बिकॉज अदर प्रोविजन के लिए हम जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इट्स नॉट हैविंग सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट द प्रीएम्बल. बट डी ऑप्शन कैसा है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट. इंडिपेंडेंटली प्रीएम्बल का लीगल इफेक्ट नहीं है, बट इन लाइट ऑफ द प्रीएम्बल वी इंटरप्रेट अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका सही आंसर आएगा डी. तो ये एक ट्रिकी पार्ट है, ए आप जल्दी जल्दी में ए मार्क कर दोगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है. इट हैज लीगल इफेक्ट नॉट बट नॉट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली. सिर्फ प्रीएम्बल को हम नहीं, नॉन जस्टिशियबल है, बट प्रीएम्बल इज यूज्ड टू इंटरप्रेट अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये हो गया 14th. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Which of the following statements is are correct? तो part 4 of the constitution हमको पता है. Part 4 is अपना fundamental directive principles of state policy. तो they shall be enforceable by courts. क्या directive principles enforceable होती है? No. They shall not be enforceable by any court. Principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. वो ये directive principles of state policy का मतलब ही होता है. पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज. तो पार्ट 4 में अंदर जो है कि डायरेक्टिव्स है, ये डायरेक्टिव्स है, प्रिंसिपल्स मतलब क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए स्टेट के. स्टेट मतलब पॉलिटी में गवर्नमेंट होता है. लॉज मेड बाय द स्टेट मींस नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गुजरात ऐसे वो नहीं. स्टेट हियर मींस स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. ये आर्टिकल 13 में पॉलिटी में इसको डिफाइन किया गया है. व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट पार्ट. So, principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. These are principles, directions given as principles based on which state government should make its policy. Directive principles of state policy. So, 3 statement is correct and 1 हमको पता है directive principles are not justiciable. तो 4 options जो हमारे हैं वो है 1, A, 1 only, B, 2 only, C, 1 and 3 only, D, 2 and 3 only. तो जब हमें पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशियबल, नॉट एनफोर्सेबल, तो 1 तो इनकरेक्ट है, तो ये बी और डी में से हो सकता है. और थर्ड स्टेटमेंट भी हमें पता है ये सही है, तो 2 एंड 3 ओनली. तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, 2 एंड 3 ओनली. इसका एक्सप्लेनेशन हमने वही दिया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशियबल एंड दे आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, प्रिंसिपल्स डायरेक्टिंग द स्टेट्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो हमने अब तक 15 पॉलिटी के सवाल देखे, टोटल 17 पॉलिटी के क्वेश्चन है और 3 इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है. तो टोटल 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. 16th क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 मंथ्स इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट. And second statement is, according to the Representation of People's Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. So, ye second wala condition humko padhte hi pata chalta hai, aisa nahi hota hamare country mein. So, ye permanently disqualified nahi hote, ek particular year tak disqualified hote. So, second statement is clearly incorrect. फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 6 मंथ्स के लिए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है. कंडीशन यहाँ लिखा है पर्सन इज एलिजिबल टू वोट. एलिजिबल टू वोट मींस 18 इयर्स ऑफ एज. और टू बिकम अ मिनिस्टर मिनिमम एज इज फॉर लोकसभा ऑल्सो वी नो मिनिमम एज इज 25 इयर्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो. सो 25 से पहले 18 इयर्स पे तो नहीं बन सकते. तो वन स्टेटमेंट इस वजह से, सिर्फ यही कंडीशन दिया एलिजिबल टू वोट, इस वजह से वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शंस वही है, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी नीदर. पर हमारा आंसर है सेकंड इनकरेक्ट है. फर्स्ट वाले में भी मिस्टेक है, एलिजिबल टू वोट पे नहीं हो जाता. यू कैन बिकम अ मिनिस्टर इफ यू आर जस्ट 18. सो द आंसर हियर इज डी, नीदर 1 नॉट 2. तो भाई यहाँ पे देखिए हमारे कंडीशन है क्वालिफिकेशन, शी शुड बी अबव 25 ईयर्स ऑफ एज. और यहाँ देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर आप इम्प्रिजेंट हो ऐसे कुछ होता है एमपीज एमएलएज का, तो कैसा होता है, इफ इज कन्विक्टेड फॉर एनी क्राइम है ना ऐसा, और सेंट टू जेल फॉर 2 इयर्स और मोर, 2 साल या से ज्यादा के लिए भी भेज, तो डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर 6 इयर्स है. तो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का 17th one, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1,
The President of India can summon a session of the Parliament in such place as he or she thinks fit. Summoning President करते कहीं भी कर सकते ऐसा लिखा है. अब ये हमें doubt भी हो तो हम आगे options देखते. Second, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पार्लियामेंट सेक्शन पढ़ा है, तो हमको पता है समन, प्ररोग एंड डिसॉल्व, दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा. तो ये प्रेसिडेंट समन, प्ररोग, डिसॉल्व राज्यसभा को नहीं कर सकते. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट, 3 सेशन नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इतना मेंशन है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए. मतलब एटलीस्ट 2 सेशन होता है इसका मतलब कि आप कंडक्ट कीजिए एक साल में. 3 सेशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. हालांकि बाय कन्वेंशन 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, ये गलत हो गया. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज फॉर श्योर. थर्ड स्टेटमेंट इज देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. कोई मैंडेटरी ऐसे कोई कहीं पे मेंशन नहीं कि इतने नंबर ऑफ डेज तो काम करना ही है पार्लियामेंट को, हमने कभी ऐसा सुना नहीं. तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो 2 and 3 आर इनकरेक्ट. तो बचता क्या, हमारे ऑप्शन देखे क्या है. ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, 3 इज एक्चुअली करेक्ट. सॉरी, 3 इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज होने चाहिए. तो ये मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं होता और ये नहीं मेंशन्ड है, तो वही लिखा है, इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, कोई मिनिमम डेज मेंशन नहीं है. सो 1 and 3 आर स्टेटमेंट्स करेक्ट. सो दैट इज द ऑप्शन यू कैन सी, सी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये 17th क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म हुए. 3 इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे. तो ये पहला सवाल जो है इसका 18th नंबर हम देखेंगे, वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. और यहाँ पे इंटरनेशनल अग्रीमेंट या सेटअप के बारे में और किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो लिखा है. तो फर्स्ट वन इज अल्माटा डिक्लेरेशन विच इज फॉर हेल्थ केयर ऑफ द पीपल. 2 हेग कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स. 3 तलनवा डायलॉग विच इज फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. एंड 4 अंडरटू कॉल्यूशन फॉर चाइल्ड राइट्स. तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तलनवा और अंडरटू कॉल्यूशन है, अंडरटू कॉल्यूशन लिखा है चाइल्ड राइट्स. तो 4th वन इज श्योरली इनकरेक्ट. तो ये देखिए यहाँ पे जो पेयर्स हमें दिए गए विच आर करेक्टली मैच्ड, तो हमारे ऑप्शन देखिए ऐसे, तो हमको पता है कि 4 इज इनकरेक्ट, अंडरटू कॉल्यूशन इज इनकरेक्ट. सो 4 इज इनकरेक्ट, तो या तो 4 ओनली या 1, 3 and 4 ओनली. विच आर करेक्टली पैक्ड, 4 ये बी और डी तो नहीं आ सकते क्योंकि 4 इज इनकरेक्ट. So 1 and 2 और 1 and 3, 1 इज करेक्ट. हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन हमने सुना है राइट्स के लिए होता है, चाइल्ड राइट्स के लिए होता है हेग कन्वेंशन, बट इज नॉट फॉर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स. सो सेकेंड स्टेट इज इनकरेक्टली पेड फॉर श्योर. सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होता है सी 1 and 3. तो हमारा 18th क्वेश्चन ही देखिए, अल्माटा डिक्लेरेशन इज ऑफ 1978 ऑन हेल्थ केयर एंड तलनवा डायलॉग्स आर फॉर क्लाइमेट चेंज ऐसे, और Under two coalition is also for climate change. Hague Convention is to protect children from harmful effects of international abduction by a parent. तो ये Hague Convention काफी time news में आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो ये हुआ international relations का first question. Second question is gold tranche, reserve tranche refers to, and there are 4 options: a loan system of the World Bank, B one of the operations of the central bank of a central bank. C, a credit system granted by WTO to its members, and D, a credit system granted by IMF to its members. So basically, हमें पता है IMF International Monetary Fund के लिए SDR special drawing rights होते हैं, लेकिन special drawing rights जो members को मिलते हैं तो उनके contribution के basis पे मिलते हैं. तो amount of gold is contributed by each country, तो वो gold tranche होता है. तो it is linked to IMF. कि क्रेडिट सिस्टम जो प्रोवाइड करता है वो गोल्ड ट्रांच पे बेस्ड होता है. तो यहाँ पे एक्चुअली बाकी सब वर्ल्ड बैंक और WTO यहाँ पे आते नहीं. सेंट्रल बैंक मींस एनी बैंक, लाइक इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है. तो इट्स नॉट एन ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है गोल्ड ट्रांच में, इट्स एक्चुअली अ रिजर्व अमाउंट. सो यहाँ पे आंसर आएगा डी, 19th अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट ईच मेंबर कंट्री ऑफ द IMF कॉन्ट्रीब्यूट एज पार्ट ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. And on the base of this, they can readily borrow and facing economic difficulties. Last question देखते हैं, IR का ये है ये. तो ये है, in which one of the following groups are all the 4 countries members of G20? So हमें G20 के members पता होने चाहिए. तो यहाँ 4 options दिए हैं, चारों में groups of countries है, चारों members होने चाहिए, है ना, of G20.
दीज आर द फोर ऑप्शन. अब यहाँ से हमें एलिमिनेशन मेथड से आंसर देना है. तो सबसे पहले यहाँ पे सी में जो ईरान है, ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, सो सी ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड. फिर यहाँ पे हमारा पास है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तो मेंबर्स है ही ना. न्यूजीलैंड नहीं है एक्चुअली मेंबर, तो थोड़ा आपको G20 का आइडिया होना चाहिए. न्यूजीलैंड नहीं है, मलेशिया भी नहीं है जैसे देखा जाए तो. सिंगापुर इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ G20, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो फॉर दिस यू नीड टू नो द मेंबर्स ऑफ G20. देयर आर 19 कंट्रीज एंड EU, यूरोपियन यूनियन, विच कंप्राइज G20. सो ये लिस्ट है आपको. G7 कंट्रीज आर दीज, तो G7 आर मेंबर्स ऑफ G20. इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ G20. G8 में इंक्लूड रशिया इंक्लूड हो जाता है, और G20 में ये कंट्रीज है ना. इंडोनेशिया है, मलेशिया नहीं है, साउथ कोरिया है, जापान तो यहीं पे G7 में ही है, तो साउथ कोरिया है, सिंगापुर नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड नहीं है, वी हैव यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, एंड अफ्रीकन नेशन इज साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना फ्रॉम साउथ अमेरिका, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ G20, मेक्सिको इज ऑल्सो मेंबर, सो यू नीड टू नो टर्की इज अ मेंबर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए. सो दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 GS पेपर 1. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.